हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेस में बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्सों, हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट नंबर फर्स्ट हम आपको पढ़ा रहे थे, उसमें आज हमारा टॉपिक फ्री रेडिकल चलेगा। देखिए, हम पूर्व की वीडियो में जो है सहसंयोजक बंध के बारे में पढ़ रहे थे। रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि यूनिट का नाम था, उसके अंदर हमने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में आपको बताया। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है उसको डिफाइन किया। सहसंयोजक बंधों में विखंडन दो प्रकार से होता है, सेमांस विखंडन और वेशमांस विखंडन। सेमांस विखंडन, इस प्रकार के बंध विखंडन में बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन समान परमाणुओं पर वितरित हो जाते हैं, जिसके कारण एक क्रियाशील मध्यवर्ती का निर्माण हो जाता है, जिसे हम मुक्त मूलक कहते हैं। हमने विद एग्जाम्पल सहित आपको बताया था। दूसरे जो हमने विषमांश विखंडन, इस प्रकार के बंध विखंडन में बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु की ओर विस्थापित हो जाते हैं, जिससे उस पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है तथा त्यागने वाले पर धनावेश आ जाता है, जिसके फलस्वरूप कार्बोकैटायन व कार्बो एनायन का निर्माण हो जाता है। ये भी हमने एग्जाम्पल सहित पढ़ा था। अब यहाँ पर फ्री रेडिकल कार्बोकैटायन व कार्बो एनायन मध्यवर्ती बने, तो मध्यवर्ती क्या है इसको भी हमने डिफाइन किया था। अभिक्रिया के मध्य में बनने वाली ऐसी प्रजाति जो स्थाई हो, जिसे स्टोरेज किया जा सके, जिसे अभिक्रिया से पृथक किया जा सके, वह मध्यवर्ती कहलाता है। ये मध्यवर्ती निम्न प्रकार के होते हैं, छह प्रकार हमने आपको बताए थे। नंबर एक है आपका फ्री रेडिकल मुक्त मूलक, दूसरा कार्बो कैटायन, तीसरा कार्बो एनायन, चौथा कार्बीन, पांचवा नाइट्रीन और छठा है बेंजाइन। तो आज के वीडियो में हम पूर्व के वीडियो को हमने फिर से दोहरान कर दिया, आज के वीडियो में हम फ्री रेडिकल के बारे में पढ़ेंगे और मुक्त मूलक। मुक्त मूलक देखिए, फ्री रेडिकल क्या है? मुक्त मूलक ऐसा मध्यवर्ती जिसमें एक विषम इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, विषम इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, वह मुक्त मूलक कहलाता है, फ्री रेडिकल कहलाता है। यह अत्यंत क्रियाशील होता है। इसका निर्माण सेमांस विखंडन के कारण होता है, सेमांस विखंडन के कारण होता है, सेमांस विखंडन के कारण होता है। तो देखिए, हमने फ्री रेडिकल को डिफाइन कर दिया, यह अत्यंत क्रियाशील मध्यवर्ती होता है, इसका निर्माण सेमांस विखंडन के कारण होता है। सेमांस विखंडन हम पढ़ चुके हैं। इसमें पाए जाने वाला एक विषम इलेक्ट्रॉन किस प्रकार के कार्बन परमाणु से जुड़ा है, किस प्रकार के कार्बन परमाणु की प्रकृति से जुड़ा है, इस आधार पर इन्हें 1 डिग्री, 2 डिग्री व 3 डिग्री में वर्गीकृत किया गया है, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी व टर्शरी में बांटा गया है। तो नंबर एक हम पढ़ेंगे 1 डिग्री या प्राइमरी या प्राथमिक मुक्त मूलक, प्राथमिक मुक्त मूलक।
इसको हम वन डिग्री से भी, प्राइमरी प्राथमिक का पी से भी व्यक्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, देखो CH3 हम स्टार से प्रदर्शित कर सकते हैं या डॉट से, हम पहले बता चुके हैं। मेथिल मुक्त मूलक बन गया CH3, CH2 एथिल मुक्त मूलक बन गया CH3 C CH3 CH3 और CH2। ये देखिए CH2 पर जो आ रहा है आपका ये स्टार का चिन्ह, ये आपके प्राथमिक मुक्त मूलक को प्रदर्शित करता है। तो ये हमने जो उदाहरण पढ़े, ये हमने प्राइमरी रेडिकल के, फ्री रेडिकल के हमने आपको एग्जांपल बताए। मेथिल, एथिल, नियोपेंटिल मुक्त मूलक। आगे देखिए दूसरा जो है हम, वो है 2 डिग्री यानी सेकेंडरी, SACC सेकेंडरी या द्वितीयक मुक्त मूलक, द्वितीयक मुक्त मूलक। अब इसमें एग्जांपल देख लीजिए, CH3 CH फ्री रेडिकल CH3। अगला देखिए CH3 C CH3 CH CH CH3, ये फ्री रेडिकल। ये देखिए ये आपका आइसोप्रोपिल फ्री रेडिकल सेकेंडरी मुक्त मूलक के उदाहरण हो गए। CH पर देखिए आपका स्टार का चिन्ह आना या डॉट का चिन्ह आना। तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम, नंबर 3 जो है हम यहाँ लिखे, नंबर 3 आपका है 3 डिग्री या टर्सरी यानी तृतीयक मुक्त मूलक फ्री रेडिकल, तृतीयक मुक्त मूलक। एग्जाम्पल देखिए इसमें CH3 C CH3 और CH3, ये लीजिए तृतीयक ब्यूटिल फ्री रेडिकल आपका। अगला देखिए CH3 C CH3 CH3 C CH3 और CH3, ये लीजिए। तो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी मुक्त मूलक के हमने आपको बता रहे हैं। फिर से समझ लीजिए, आज का टॉपिक जो आज के वीडियो में हम आपको पढ़ा रहे हैं वो फ्री रेडिकल पढ़ा रहे हैं, मुक्त मूलक। वास्तव में फ्री रेडिकल क्या है? ऐसे मध्यवर्ती जिसमें एक विषम इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। ये विषम इलेक्ट्रॉन ये रहा आपका, ये विषम इलेक्ट्रॉन है, एक विषम इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। ये देखिए एक विषम इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो वह फ्री रेडिकल मुक्त मूलक कहलाता है। यह अत्यंत क्रियाशील होता है, इसका निर्माण सेमांश विखंडन के कारण होता है। इसमें पाए जाने वाला एक विषम इलेक्ट्रॉन कार्बन की किस प्रकृति से जुड़ा है उस आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री या प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी मुक्त मूलकों में बांटा गया है। एग्जाम्पल नंबर 1 यानी 1 डिग्री या प्राइमरी या प्राथमिक मुक्त मूलक। एग्जाम्पल देखिए CH3, ये आपका डॉट का निशान, स्टार का निशान, CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 स्टार, नियोपेंटिल फ्री रेडिकल, एथिल आपका मुक्त मूलक, मेथिल मुक्त मूलक। दूसरा जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा 2 डिग्री या सेकेंडरी या द्वितीयक मुक्त मूलक। देखो CH पर आइसो प्रोपिल फ्री रेडिकल आपका, CH पर स्टार का चिन्ह आना, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा देखिए हम टर्शरी मुक्त मूलक पढ़ रहे हैं, कार्बन पर उसे CH3 जुड़े हों और ये स्टार का चिन्ह। इस प्रकार से हमने फ्री रेडिकल के को आपको डिफाइन करके बता दिया कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं और एग्जाम्पल सहित आपको बता दिया। आगे देखिए फ्री रेडिकल में देखिए मुक्त मूलक, मुक्त मूलक के अंदर देखिए मुक्त मूलक में कार्बन परमाणु जो है sp3
संकरित अवस्था में पाया जाता है। sp3 वो sp2 संकरित अवस्था में पाया जाता है। ये देखिए, ये देखिए संरचना, हम CH3 की संरचना पढ़ रहे हैं। ये लीजिए, ये देखिए, ये आपका कार्बन, ये आपका हाइड्रोजन, और इससे तीन हाइड्रोजन आपके ये जुड़े हुए हैं, और ये देखो ये विषम इलेक्ट्रॉन आपका हमने ये प्रदर्शित कर दिया। तो ये हमारी जो संरचना है मेथिल मुक्त मूलक की हम पढ़ रहे हैं। इस मुक्त मूलक के अंदर कार्बन परमाणु, पहला पॉइंट, मेथिल मुक्त मूलक में कार्बन परमाणु sp2 संकरित अवस्था में होता है। sp2 संकरित अवस्था में होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, इनकी आकृति समतलीय त्रिभुजीय होती है, समतलीय त्रिभुजीय होती है। तीसरा, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन असंकरित कक्षा, यानी ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, असंकरित कक्षक, ए यानी नहीं, संकरित यानी संकरण में भाग नहीं ले रहा है। तो एक अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन है, ये एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन असंकरित कक्षक में पाए जाने के कारण यह अनुचुंबकीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। ये देखिए हमने विशेषता पढ़ रहे हैं। ये देखिए आपके नीट वगैरह जैसी बड़ी एग्जामों में भी ये क्वेश्चन आता रहता है, फ्री रेडिकल यानी मेथिल मुक्त मूलक में कार्बन परमाणु कौन से संकरित अवस्था में पाया जाता है, तो sp2 संकरित अवस्था में पाया जाता है। ये देखिए, ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, sp2 संकरित अवस्था में पाया जाता है। इनकी जो आकृति है वो समतलीय त्रिभुजीय होती है, समतलीय त्रिभुजीय होती है, और इनमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन असंकरित कक्षक में पाए जाने के कारण इनकी अनुचुंबकीय प्रवृत्ति होती है। हम पढ़ के भी आए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण उसकी अनुचुंबकीय प्रवृत्ति होगी, और युग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण उसकी प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति होगी। तो इस प्रकार से हमने यहां पर देखिए फ्री रेडिकल की संरचना पढ़ी, संरचना के अंदर जो विशेषताएं हैं हमने बताई, कार्बन परमाणु sp2 संकरित अवस्था में होगा, जब sp2 संकरित अवस्था में होगा तो उसकी समतलीय त्रिभुजीय संरचना होगी, उसमें बंद कोण का मान 120 डिग्री होगा, और एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन असंकरित कक्षक में पाए जाने के कारण यह अनुचुंबकीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। अब देखिए नेक्स्ट, हम जो विभिन्न मुक्त मूलकों के स्थायित्व का क्रम निम्न पाया जाता है, विभिन्न मुक्त मूलकों के स्थायित्व का क्रम है जो निम्न पाया जाता है, और ये हम अतिसंयुग्मन के कारण, हम इसे अतिसंयुग्मन से समझ सकते हैं, यानी अतिसंयुग्मन, हाइपर कॉन्जुगेशन, अतिसंयुग्मन से हम समझ सकते हैं, अतिसंयुग्मन से इसकी व्याख्या कर सकते हैं, अर्थात दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन परमाणु, अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं के कारण, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु जितने होंगे उतनी अतिसंयुग्मी संरचनाओं की संख्या बढ़ेगी, जिसके कारण उसके स्थायित्व का मान भी बढ़ेगा, स्थायित्व का मान भी बढ़ जाता है। तो देखिए टर्शरी 3 डिग्री सबसे अधिक स्थायी, 2 डिग्री 1 डिग्री सबसे कम,
यानी टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। अब हमने एग्जांपल पढ़े, उनको लिख लीजिए। देखिए CH3, CH3 और CH3, ये हो गया हमारा टर्सरी फ्री रेडिकल, ये हमारा सेकेंडरी CH CH3 और ये हो गया हमारा प्राइमरी। तो देखिए ये इसके अंदर जो अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो कितने होंगे, 3 और 3 6 3 9। इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन यानी फ्री रेडिकल से जो विषम परमाणु उसके समीपस्थ वाले कार्बनों से हाइड्रोजनों का जुड़ा होना, तो 3 और 3 6 और इसमें कितने हो गए अल्फा हाइड्रोजन, 3। तो हमने यही बता रहे हैं कि जिसके अंदर जितने अधिक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होंगे उसकी अति संयुग्मी संरचनाओं का मान उतना ही अधिक होगा, तो उसके स्थायित्व का मान भी उतना ही अधिक होगा, उसके स्थायित्व का मान भी उतना ही अधिक होगा। अर्थात हम स्थायित्व की बात करें तो देखिए स्थायित्व फ्री रेडिकल का समानुपाती अति संयुग्मन समानुपाती अल्फा हाइड्रोजनों की संख्या। ये लीजिए शॉर्ट में कोटेशन। तो देखिए हम फ्री रेडिकल पढ़ रहे थे और फ्री रेडिकल के स्थायित्व की हम बात कर रहे हैं। विभिन्न मुक्त मूलकों के स्थायित्व का क्रम निम्न होता है, उसे हम अति संयुग्मन के आधार पर समझ सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पर समझ सकते हैं। अर्थात अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी तो अति संयुग्मी संरचनाओं की संख्या भी बढ़ेगी, और अति संयुग्मी संरचनाओं की संख्या बढ़ेगी तो उनके स्थायित्व का मान भी बढ़ेगा। तो स्थायित्व क्रम क्या हो गया, टर्सरी, सेकेंडरी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एंड टर्सरी सेकेंडरी और प्राइमरी। विद एग्जांपल सही देख लीजिए, आपका तृतीयक ब्यूटिल फ्री रेडिकल, आइसो प्रोपिल फ्री रेडिकल और एथिल मुक्त मूलक। इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 9। इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6। इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3। तो इसका स्थायित्व सबसे कम है। अब देखिए हम एक एग्जांपल सहित इसको समझते हैं। अति यानी अनुनाद के आधार पर, अनुनाद के आधार पर अति संयुग्मन एक प्रकार का अनुनाद है जो कि पूर्व की क्लास में आप पढ़ के आए हैं। देखिए मैं एक अनुनाद के द्वारा आपको समझाता हूं, एक एग्जांपल लेकर के। ये देखिए, ये हम ले लेते हैं सबसे छोटा एग्जांपल एथिल मुक्त मूलक। ये देखिए CH3 CH2, आप देखिए इसको, ये आपका H बॉन्ड C बॉन्ड H और बॉन्ड H और बॉन्ड C बॉन्ड H और बॉन्ड H और ये स्टार का चिन्ह। अब देखिए ये आपका यहाँ आ गया बॉन्ड, तो ये फ्री रेडिकल आपका यहाँ जाएगा। ये अनुनाद का निशान है, तो ये लीजिए हमने इसको स्टार से व्यक्त कर दिया, H बॉन्ड C बॉन्ड H डबल बॉन्ड C बॉन्ड H और बॉन्ड H। अगली घटना में क्या होगा, ये बॉन्ड आपका यहाँ आ जाएगा, तो ये आपका यहाँ आ जाएगा, ये अनुनाद का निशान देखिए, तो ये H और ये फ्री रेडिकल आपका यहाँ आ गया, और ये C, ये बॉन्ड H बॉन्ड डबल बॉन्ड C बॉन्ड H और बॉन्ड H। ये लीजिए देखिए, ये तो आपका यहाँ आ गया, ये बॉन्ड आपका यहाँ आ जाएगा और ये बॉन्ड आपका यहाँ चले जाएगा। उसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट घटना में क्या होगा, ये फ्री रेडिकल आपका यहाँ जाएगा और ये बॉन्ड आपका यहाँ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ चले जाएगा। तो H बॉन्ड C बॉन्ड H और ये फ्री रेडिकल और डबल बॉन्ड C बॉन्ड H। तो देखिए तीन यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन बन रहे हैं, जो हम अल्फा हाइड्रोजन की बात कर रहे थे, एक ये बन गया, दूसरा ये बन गया और आपका तीसरा ये बन गया। तो तीन आपके फ्री रेडिकल आपके बन गए
तो इस प्रकार से हमने एथिल मुक्त मूलक के अंदर अति संयुग्मी संरचना पढ़ी जिसके अंदर तीन अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, जो कि हमने इस एग्जाम्पल से बता दिया। तो इनके स्थायित्व का कारण हमने अनुनाद है, जितनी अति संयुग्मी संरचना बढ़ेगी उनके स्थायित्व का मान उतना ही बढ़ेगा। तो हमारा फ्री रेडिकल जो टॉपिक चल रहा था उसमें हमने स्थायित्व की बात की। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल हम लें, एलिल मुक्त मूलक और बेंजिल मुक्त मूलक में भी अनुनाद के कारण इनके स्थायित्व का मान अधिक होता है। एलिल मुक्त मूलक व बेंजिल मुक्त मूलक भी अनुनाद के कारण अधिक स्थायी होते हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में हमने आपको फ्री रेडिकल को डिफाइन किया, वास्तव में फ्री रेडिकल क्या है परिभाषित किया हमने आपको, ऐसे मध्यवर्ती जिसमें एक विषम इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो वे मुक्त मूलक कहलाते हैं, ये अत्यंत क्रियाशील होते हैं और इनका निर्माण सीमांत विखंडन के कारण होता है। इनमें पाए जाने वाला एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या एक विषम इलेक्ट्रॉन कार्बन की किस प्रकृति से जुड़ा है, इस आधार पर इन्हें तीन भागों में बांटा गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी मुक्त मूलक, जो कि हमने तीनों एग्जाम्पल सहित आपको बताए। फिर हमने एक एग्जाम्पल लेके मुक्त मूलकों में की जो संरचना है, मैथिल मुक्त मूलक, इसमें कार्बन परमाणु sp2 संकरित अवस्था में होता है, इनकी संरचना समतलीय त्रिभुजीय होती है, इनमें बंद कोण का मान 120 डिग्री होता है और इनमें एक विषम इलेक्ट्रॉन या एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण ये अनुचुंबकीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। और विभिन्न मुक्त मूलकों के स्थायित्व का क्रम निम्न है, जिसे हम अति संयुग्मन हाइपर कॉन्जुगेशन हम आगे भी पढ़ाएंगे, पूर्व की क्लास में आप पढ़ चुके हैं, यह एक प्रकार का अनुनाद है। अति संयुग्मन के आधार पर इसे समझ सकते हैं, अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर समझ सकते हैं, जितने अधिक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होंगे उतने ही अधिक अति संयुग्मी संरचना होगी और उनके स्थायित्व का मान अधिक होगा। हमने शॉर्ट में लिख सकते हैं स्थायित्व फ्री रेडिकल को समानुपाती अति संयुग्मन समानुपाती अल्फा हाइड्रोजन। तो हमने एक एग्जाम्पल सहित आपको बताया एथिल मुक्त मूलक को अनुनाद के आधार पर हमने बताया आपको। देखिए, ये बॉन्ड आपका यहाँ गया, फ्री रेडिकल आपका ये यहाँ चले गया और इस प्रकार से ये पहला मुक्त आपका अल्फा हाइड्रोजन, ये आपका दूसरा अल्फा हाइड्रोजन और ये तीसरा, इस प्रकार से तीन अल्फा हाइड्रोजनों का निर्माण हो रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपको इतना ही पढ़ाएंगे, यदि आपको कहीं डाउट लगता है तो हमें से आप फोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।